फर्स्ट वन इज द फ्लैट लूप बैंड्स। इससे आप सारे एक्सरसाइज कर पाओगे जो आप डंबल से करते हो या फिर आप जिम में जो पुली से करते हो वो सारे एक्सरसाइज कर पाओगे। और साथ ही में कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज में अगर आपको रेजिस्टेंस या फिर असिस्टेंस ऐड करना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। द सेकंड वन इज द ट्यूबुलर ओपन बैंड्स। इन जनरल इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको फ्लैट लूप बैंड से कम देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि ये ओपन एंडेड बैंड्स है और आपको हैंडल लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, सो आपको डंबल्स एंड पुली के एक्सरसाइजेस थोड़ा सा ईजी होगा यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। बट अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या फिर कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस या फिर असिस्टेंस ऐड करना चाहते हो तो ये बैंड सूटेबल नहीं होगा आपके लिए। द थर्ड वन इज द स्मॉल लूप बैंड्स। इसको जनरली लेग एक्सरसाइजेस में यूज किया जाता है सो एज टू ऐड मोर रेजिस्टेंस इन द अबडक्शन बेस्ड एक्सरसाइजेस। द फोर्थ वन इज द थेरा बैंड। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, ये आपको जनरली थेरेपेटिक रिहैब, करेक्टिव एक्सरसाइजेस, मसल एक्टिवेशन में ज्यादा काम आएगा एज इट्स जस्ट अ स्ट्रेचेबल रबर। अब आप आपके ट्रेनिंग गोल्स के हिसाब से बेस्ट बैंड को पिक कर सकते हो, बट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड द स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। आप दो तीन बैंड्स अगर आपके पास रखोगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा।